हम लोगों को 3 दिन हो चुके हैं एसी वाले कैसल के अंदर रहते हुए, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा होगा कि सिंचन का अनडिफीटेड ड्रैगन भी यहाँ पे मर चुका था। अरे यार हामिद भैया, ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। हामिद भैया, इन लोगों ने मेरे अनडिफीटेड ड्रैगन को भी मार दिया है। और हमें लगता है कि अभी हम लोग को यहीं पे रहना पड़ेगा यार। जो यार मुझे नहीं पता था कि ये वाला ड्रैगन इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। और कैसे हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी इन लोग को मारने की, मगर हम लोग के सारे प्लान यहाँ पर फेल हो गए। और जिस यूनिट से हम लोग को सबसे ज्यादा उम्मीद थी सिंचन का, वो अनडिफीटेड ड्रैगन भी यहाँ पे मर चुका है। अरे अभी तो हम लोग को बचने का कोई भी चांस नजर नहीं आता यार। मेरे पास एक आखिरी रास्ता है यहाँ से निकलने का। अरे हमें कौन सा रास्ता है, हमें जल्दी से हम लोग को यहाँ से निकालो यार। तो यार कहते इन 3 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया अपना छोटा सा घर, और यहाँ पे मैं अपने वेपन्स को भी लेकर आ गया हूँ। अरे हमें अगर ड्रैगन ने देख लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार। हाँ यार चौप, अगर तो इन वाले ड्रैगन से ये देख लिया तो फिर तो वो हम लोग को मार देंगे। मगर यार चौप, हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। अरे हम आपको किसने बोला था कि ड्रैगन कैसल के अंदर आके अटैक करो यार? चौप यार, हम लोगों ने सारे के सारे कैसल के ऊपर अटैक किया था। मुझे लगा था कि हम लोग इस वाले कैसल के ऊपर भी अटैक कर लेंगे, मगर यार चौप मुझे नहीं पता था कि ये वाला लाइट ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक होगा। मगर अभी तुझे यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज चौप मैं यहाँ पर अपनी गन्स को लेकर आ चुका हूँ। अरे यार हामिद, इन वाली गन से ये वाला ड्रैगन्स कभी भी नहीं मरेंगे। अरे हमें लगता है कि अपने फाइटर जेट को बुलाना पड़ेगा यार। अरे नहीं यार चौप, फाइटर जेट तो हम लोग का यहाँ पे मर जाएगा। तो यार चौप हम लोग को यहाँ पे अपने टाइटल कैसल को लेकर आना पड़ेगा। सिंचन यार, अगर तुम अपने टाइटल कैसल को यहाँ पर लेकर आ गया और हम लोग का टाइटल कैसल भी यहाँ पे टूट गया, तो यार सिंचन हम लोग के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। और यार सिंचन, तेरे पास एंडर ड्रैगन भी तो था, वो कहाँ पर है? अरे यार हामिद, वो मेरा लास्ट यूनिट है, मैं उसको यहाँ पे कभी भी नहीं बुलाऊंगा। अरे हमें, मैं तो बीच में फंस गया, मेरे पास तो कोई यूनिट भी नहीं है यार। आपके पास टर्टल कैसल, आप उसको भी यूज नहीं कर रहे हो। सिंचर के पास अंडर ड्रैगन है, सिंचर उसको भी यूज नहीं कर रहा है। हम भैया मैं कहां पे जाऊंगा यार? चौप यार, आज तो हम लोग यहाँ से बच के जाने वाले हैं, क्योंकि यार चौप इन 3 दिनों के अंदर मैंने बहुत ही ज्यादा दिमाग को यूज किया है। चौप मेरे पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओपी प्लान है। और यार चौप आज हम लोग इस वाले लाइट ड्रैगन को मार के जाएंगे यहाँ से। अरे हम तो मारेंगे तो सही, मगर मारेंगे कैसे यार? चौप यार हम लोग इनको अपनी गन से मारेंगे। अरे हम गोलियों से कभी भी नहीं मरेंगे यार। चौप यार, अगर तो ये लोग यहाँ पे गोलियों से नहीं मरे ना, फिर मैं अपने टर्टल कैसल को यहाँ पर लेकर आऊंगा। अरे हम अगर टर्टल कैसल को कुछ हो गया तो फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे यार? चौप यार अभी हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू चाहता है कि हम लोग यहीं पे फंस जाएं? अरे मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं यार। ठीक है तो यार चौप, आज तो हम लोग यहाँ से निकल के ही रहेंगे। और गाइस अभी वक्त आ चुका है यहाँ पे अपनी मिलिट्री को बुलाने का। अरे यार हामिद भैया, आपके पास तो यहाँ पे टैंक और फाइटर जेट भी है। हामिद भैया आप उनको यहाँ पे बुला लो। सिंचन यार, मैंने कल रात ही अपनी आर्मी को कॉल कर दी थी। और गाइस अब तक तो हम लोग की आर्मी यहाँ पे पहुंच भी गई होगी। अरे हम बाहर चल के देखते हैं यार। ठीक है यार चौप, हम लोग यहाँ पे बाहर जाकर देखते हैं। तो यार गाइस आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मेरी आर्मी के टैंक्स भी आ चुके हैं, साथ में मेरी ये वाली जीप भी आ चुकी है। अरे यार हामिद भैया, मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग यहाँ पे बच के निकल जाएंगे। हाँ यार सिंचन, अभी तो हम लोग को यहाँ पे बच के निकल के जाना ही होगा। और अभी यार गाइस टाइम आ चुका है इन वाले ड्रैगन्स के मरने का, साथ में मेरे पास भी यहाँ पे गन्स हैं। मगर यार गाइस मेरी गन से ज्यादा पावर्स मेरे इन वाले टैंक्स के अंदर है। अरे हम हामिद टी की आर्मी पक्का जीतेगी यार। हाँ यार चौप, मैं तो यहाँ पे 10 टैंक्स को बुलाया था, मगर लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 टैंक्स पहुंचे हैं। अरे यार हामिद भैया, बाकी के टैंक्स को इन वाले ड्रैगन से मार दिया होगा। सिंचन यार, लगता तो मुझे भी यही है। तो यार गाइस देखते हैं कि हम लोग की आर्मी यहाँ पे जीत पाती है कि नहीं। तो बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है और हमें सारे के सारे टैंक यहाँ पे टूटते जा रहे हैं यार। चौप यार टैंक तो टूट गया, मगर यहाँ पे एक गाड़ी अभी तक मेरी जिंदा है। देखते हैं कि आकाश जी वाली गाड़ी यहाँ पे कुछ कर पाती है कि नहीं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेपन्स को लगाया था और हमें ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे हम लोग की जान नहीं छोड़ेंगे यार। चौप यार, मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पे गन्स को उठाना पड़ेगा। अरे यार हामिद भैया, मगर यहाँ पे तो गन्स है ही नहीं। सिंचन यार, हम लोग की गन्स कहाँ पर गई? अरे यार हामिद भैया, लगता है इन वाला ड्रैगन को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे अपनी गन्स को लेकर आए थे। और अभी तो ये हम लोग को नहीं छोड़ेंगे यार। चौप यार, लगता है कि मुझे अपने मैका गोरो को यहाँ पे बुलाना होगा, मगर उससे पहले यार गाइस मैं यहाँ पे अपनी गन्स को यूज करके देखना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि यार गाइस गन से ये लोग मर जाएंगे। आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा लाइटनिंग गन में इसको मार रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि यार गाइस ये लोग अभी मर जाएंगे। स्लो ड्रैगन मेरी तरफ आ रहा है, अगर तो यार गाइस इसने फ्लेम निकाल दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं काफी ज्यादा ग्रेनेड इसको मार रहा हूँ, इसको तो यार गाइस यहाँ पे मरना ही होगा। और हमें AK-47 से मारना होगा यार। हाँ यार चौप, मैं इसको AK-47 से गोलियां तो मार रहा हूँ, मगर यार गाइस आप लोग देख रहे हो ड्रैगन कितने ज्यादा खतरनाक है। और हम इन लोगों ने तो आपको हवा में उड़ा दिया यार। चौप यार, यही तो मैं देख रहा हूँ, ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। और यार गाइस दोबारा से इन लोगों ने मुझे यहाँ पे मार दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि गन्स की बस की बात तो है नहीं, अपने मैका गोरो को तो यार गाइस यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा। तो यार गाइस फाइनली मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक यूनिट यहाँ पे आ चुका है। और हम ये किस तरह का गोरो है यार? चौप यार, ये मैका गोरो है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तू देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा लाइटनिंग गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। साथ में यार गाइस इसका ये वाला हाथ भी घूमता है और इस वाले हाथ में इसने ये वाला वेपन पकड़ा हुआ है। अभी तो यार गाइस ये वाले ड्रैगन यहाँ पे बच के जाएंगे नहीं। और हम दिखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लगता है कि जीत जाएगा यार। चौप यार, ये पक्का जीतेगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया था। और अभी यार गाइस वक्त आ चुका है अपने इस वाले यूनिट को टेस्ट करने का। और हम इसको बोलोगे हम लोग को बचा ले यार? अरे यार हामिद भैया, अगर ये भी मर गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सिंचन यार, अगर मेरा ये वाला यूनिट भी यहाँ पे मर गया तो फिर तो यार सिंचन हम लोग के पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचती हैं। एक ऑप्शन हम लोग के पास टर्टल कैसल की होगी, दूसरी ऑप्शन हम लोग के पास फाइटर जेट की होगी, और यार सिंचन तीसरी ऑप्शन हम लोग के पास तेरे एंडर ड्रैगन वाली होगी। और हम ड्रैगन को ड्रैगन ही मार सकता है यार। मगर यार चौप, मुझे पता नहीं है कि सिंचन के एंडर ड्रैगन के पास कितनी पावर्स होंगी। अरे यार हामिद भैया, मेरा एंडर ड्रैगन सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन है। हामिद भैया वो सारे के सारे आर्मी को यहाँ पे मार देगा। ठीक है तो यार सिंचन, अभी हम लोग टेस्ट करते हैं अपने इस वाले
गोरो को। और रैकाज इसको भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया था, आप लोग देख रहे हो कितना ज्यादा ओपी काम कर रहा है। मगर रैकाज अगर तो यहाँ पे नीचे गिर गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और रैकाज आप लोग देख रहे हो कि इन वाले ड्रैगन ने मेरे गोरो को यहाँ पे नीचे फेंक दिया है। आया ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं कहाँ आगे फंस गए यार। चॉप यार हम लोग के देखने वालों ने बोला था कि ड्रैगन कैसे के ऊपर कब्जा करो, मगर यार चॉप मुझे क्या पता था कि ये वाले ड्रैगन इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। और ये एक तो है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रैगन रहते हैं यार। हाँ ना यार चॉप, मगर हम लोग यहाँ पे पक्का बचेंगे और इस वाले कैसल के ऊपर भी हम लोग कब्जा करेंगे। अरे यार हामिद भाई ये वाला स्कॉच तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हामिद भाई लगता है कि ये हम लोग को बचा देगा। हाँ यार सिंचन ये वही स्कॉच है जिसने हम लोग के फोर्ट के ऊपर कब्जा किया था, मगर यार सिंचन अभी हम लोग की टीम के अंदर आ चुका है। हाँ मेटी भले मेरी जान चली जाए मगर मैं तुम्हें इन वाले ड्रैगन से बचा के जाऊंगा। मगर यार स्कॉच तुम यहाँ पे अकेले क्यों आ गए हो, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? मैंने अपने बॉस को बोला था मगर मेरे बॉस यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि उन लोगों को इन वाले ड्रैगन से बहुत ज्यादा डर लगता है और ये वाला गॉड ड्रैगन सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या ये वाला गॉड ड्रैगन तुम लोग के बॉस स्कॉच से ज्यादा खतरनाक है? हाँ हाँ मिट्टी ये वाला लाइट ड्रैगन सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये अनडिफीटेड है, इसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरे बॉस यहाँ पर मेरे साथ नहीं आए मगर मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ, और मेरे साथ मेरे दो भाई और भी हैं। मगर वो लोग कहाँ पर है, मुझे तो तुम यहाँ पे अकेले नजर आ रहे हो। मैंने अपने भाइयों को यहाँ पे छुपा के खड़ा किया है, मेरा एक भाई इस वाले घर के पीछे है। वैसे यार गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये स्कॉच का बॉडी गार्ड था और ये हम लोग को यहाँ पे बचाने आ चुका है। अरे हाँ ये तो बहुत ज्यादा वफादार निकला यार चॉप, यार मैंने चाहता कि ये मर जाए यहाँ पर। अरे हमें पक्का जीतेगा यार। हाँ यार चॉप इसको तो यहाँ पे जीतना पड़ेगा, मगर यार चॉप इसका दूसरा भाई कहाँ पर है? हाँ मिट्टी मेरा दूसरा भाई इस वाले घर के पीछे है। ठीक है तो यार गाइस हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं। अरे हमें वाकई में तो अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर आ गए यार चॉप, यार तीन तीन स्कॉच यहाँ पर आ चुके हैं, अभी तो यार चॉप हम लोग को यहाँ पे जीतना ही होगा। हाँ मिट्टी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग खुद तो मर जाएंगे मगर तुम्हें हम लोग एक भी आंच नहीं आने देंगे। स्कॉच यार मैंने चाहता कि तुम लोग यहाँ पे मर जाओ। नहीं हाँ मिट्टी हम लोग के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं, हम लोग इन वाले ड्रैगन्स को तो मार देंगे मगर ये वाला गॉड ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको मारने के लिए मुझे अपने बॉस को बुलाना पड़ेगा। मगर यार स्कॉच तुम तो बोल रहे हो तुम्हारा बॉस यहाँ पर नहीं आया। हाँ हम लोग का बॉस यहाँ पर नहीं आया, मगर मुझे पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे मर गए तो मेरा बॉस यहाँ पे हमारा बदला लेने जरूर आएगा। वैसे यार गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये वाले स्कॉच कितने ज्यादा अच्छे हैं, ये मुझे यहाँ पे बचाने आ चुके हैं। मगर यार गाइस मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे बचेंगे। अरे हम तो पक्का जीतेंगे यार। हाँ यार चॉप इन लोग को तो जीतना ही पड़ेगा, और यार चॉप मैंने चाहता कि ये लोग यहाँ पे मर जाए। और हम इन लोग के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, हम तो पक्का जीतेंगे यार। ठीक है तो यार चॉप बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो यार गाइस हम लोग देखते हैं कि ये वाला स्कॉच यहाँ पे जीत पाते हैं कि नहीं। ये लोग बहुत दूर से यार गाइस मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए थे और मैंने चाहता कि यार गाइस ये लोग यहाँ पे मर जाए। आप लोग देख रहे हो कि ये वाला स्कॉच कितना ज्यादा खतरनाक है। और हम ये वाला स्कॉच बहुत ज्यादा खतरनाक है, मगर हमें ड्रैगन ने इसको उठा लिया यार। हाँ यार चॉप ड्रैगन ने तो इसको उठा लिया है, मगर यार चॉप हम लोग के इस वाले स्कॉच ने इस वाले ड्रैगन को यहाँ पे मार दिया। और गाइस यहाँ पे ये वाला स्कॉच भी जिंदा है और हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं, तो यार गाइस हम लोग का ये वाला स्कॉच भी यहाँ पे जिंदा है, अभी तो यार गाइस हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे। और हम लाइट ड्रैगन ने इसको मार दिया यार चॉप। यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, हम लोग का एक स्कॉच यहाँ पे मर चुका है, मगर यार चॉप अभी भी हम लोग के दो स्कॉच यहाँ पर जिंदा है। और यार गाइस ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रोबोट ड्रैगन भी मर चुका है, और अभी यार गाइस यहाँ पे मरने की बारी है इस वाले लाइट ड्रैगन की। और मुझे पक्का पता है कि यार गाइस मेरा ये वाला स्कॉच यहाँ पे जीतेगा, और ये आप लोग देख रहे हो कि हम लोग के दो स्कॉच यहाँ पे मर चुके हैं। हाँ मिट्टी मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए तो आया था, मगर मेरे दोनों भाई यहाँ पे मर चुके हैं और मैं भी यहाँ पे अपनी जान दिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं स्कॉच तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, नहीं तो ये वाला लाइट ड्रैगन तुम्हें भी मार देगा। नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस वाले लाइट ड्रैगन को मार के ही रहूंगा। अबे यार चॉप इसको रोक ले, मैंने चाहता कि हम लोग का ये वाला स्कॉच यहाँ पे मर जाए। अरे हम ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, इसके भाई यहाँ पे मर गए यार। चॉप यार इसके भाई यहाँ पे मर चुके हैं और ये बोला कि मैं अपनी जान देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। चॉप यार मैंने चाहता कि मेरी वजह से इसको कुछ भी हो। अरे मगर हम लोग क्या करेंगे यार चॉप, यार हम लोग कुछ भी कर लेंगे, मगर हम लोग को इस वाले स्कॉच को यहाँ पे बचाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके दो भाई यहाँ पे मर चुके हैं। और यार चॉप मैंने चाहता कि ये वाला स्कॉच भी यहाँ पे मर जाए। अरे यार गाइस हम लोग को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यार गाइस जल्दी से हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग को सपोर्ट करो। हाँ यार गाइस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, उससे मुझे बहुत ज्यादा पावर मिलता है और तभी यार गाइस मैं इस वाले लाइट ड्रैगन को मार पाऊंगा, क्योंकि यार गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यार गाइस इस वाले स्कॉच के लिए एक लाइक तो बनता है। अरे हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको यहाँ से निकालना होगा यार। हाँ मिट्टी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। चॉप यार ये मेरी बात नहीं सुनेगा, जल्दी से इसको यहाँ से ले जा। और मैं अभी इसको वापस लेके जाता हूँ यार। अरे यार हामिद भाई मगर अभी हम लोग क्या करेंगे? सिंचन यार मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक यूनिट है, और गाइस उसका नाम है लावा गोलेम। और ये तो बॉल को भी साथ लेकर आया यार। हाँ यार चॉप ये वाला लावा गोलेम हमेशा अपनी बॉल को साथ लेकर आता है, क्योंकि ये लावा गोलेम का किंग है। तो यार गाइस मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पे पक्का जीत जाएगा, तो बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कि हम लोग का लावा गोलेम यार गाइस यहाँ पे एक सेकंड के अंदर अंदर मर गया। और हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए यार। चॉप यार मुझे तो लगता है कि हम लोग को अपने मैका स्पैनस रोज को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। अरे हमें ये वाला मैका स्पैनस रोज बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। हाँ यार चॉप ये वाला मैका स्पैनस रोज बहुत ज्यादा खतरनाक है, और यार चॉप मुझे तो लगता है कि ये हम लोग को यहाँ से बचा लेगा। अरे यार हामिद अगर ये भी मर गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सिंचन यार अगर ये भी मर गया तो फिर हम लोग को यहाँ पे अपने एंडर ड्रैगन को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यार सिंचन हम लोग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अरे हम अगर हम लोग का एंडर ड्रैगन भी यहाँ पे मर गया तो फिर हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे यार। नहीं यार चॉप आज हम लोग यहाँ से निकल कर ही रहेंगे। और यार चॉप मुझे अपने इस पर स्मैश रोज पे
पूरा विश्वास है ये हम लोग को यहाँ से पक्का जितवा लेगा, क्योंकि तू देख रहा है कि यहाँ पे कितने ज्यादा फ्लेम थ्रोवर लगे हुए हैं। बीच में यहाँ पे प्लाज्मा कैनन भी है, मशीन गन्स भी बहुत ज्यादा है, और गाइस यहाँ पे भी प्लाज्मा कैनन लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़े वाले मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। और ये वाला वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक स्पैन सोर्स है यार, चौप यार इसको तो यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कि हम लोग का स्पैन सोर्स यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। और ये तो नीचे जा रहा है यार, अबे यार चौप अगर तो ये नीचे गिर गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये तो ऊपर ही मर गया यार चौप यार, मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग को यहाँ पे सिंचन के एंडर ड्रैगन को बुलाना ही होगा। अरे यार हमें भाई यहाँ पे तो स्कॉच की आर्मी आ चुकी है। अबे यार सिंचन ये लोग दोबारा से आ चुके हैं। हाँ बेटी मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें बचाए बगैर नहीं जाएंगे, और देखो हमारा किंग भी यहाँ पे आ चुका है। अबे यार गाइस यहाँ पे तो इन लोग का किंग भी आ चुका है, और गाइस ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, साथ में इन लोग के दो बॉडीगार्ड्स और भी आ चुके हैं। और हमें लगता है कि अभी हम लोग यहाँ पे पक्का बच जाएंगे यार। हाँ यार चौप अभी तो हम लोग को यहाँ पे बचना ही होगा। और गाइस एक सेकंड, और ये तो इन लोग का दादाजी है यार, चौप यार दादाजी भी यहाँ पे आ चुका है। अभी तो गाइस हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि गाइस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्कॉच का कमांडर भी है, साथ में यहाँ पे स्कॉच के दो बॉडीगार्ड्स भी हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे ये किंग स्कॉच है। और गाइस ये सारा का सारा सोने का बना हुआ है, इसके पास पावर्स भी बहुत ज्यादा होती है, और सबसे मजे की बात यहाँ पे दादाजी भी आ चुके हैं हम लोग को बचाने के लिए। अरे हम अभी तो हम लोग पक्का जीतेंगे यार। हाँ यार चौप अभी तो हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे, मगर यार चौप अगर ये लोग यहाँ पे मर गए तो फिर अरे हम सारे के सारे स्कॉच की आर्मी है पक्का जीतेंगे यार। हाँ मेटी मैं तुम्हें बोला था ना कि अगर मेरे भाई यहाँ पे मरेंगे तो हमारा किंग यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो हमारा किंग यहाँ पे आ चुका है, और अभी हम तुम्हें सिंचन और चौप को यहाँ से बचा के ले जाएंगे। वैसे यार गाइस ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये लोग दोबारा हमें बचाने के लिए आ चुके हैं। तो यार गाइस अभी हम लोग यहाँ पे बैटल को स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग ये वाले स्कॉच की आर्मी यहाँ पे जीत पाती है। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और हमें बहुत ज्यादा स्कॉच है पक्का जीतेंगे यार। चौप यार इन लोग को यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है, देखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मगर गाइस ये मैं क्या देखो, दादाजी को इन लोगों ने यहाँ पे नीचे फेंक दिया है। और ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं यार, मगर नहीं यार चौप दादाजी यहाँ पे अभी तक जिंदा है, और गाइस यहाँ पे किंग स्कॉच अभी तक जिंदा है। और हम इन लोगों ने सारा के साथ ड्रैगन को मार दिया यार। चौप यार यहाँ पे किंग स्कॉच मर चुका है, और हमें बाकी के स्कॉच कहाँ पर है यार। चौप यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला दादाजी बचा है, और गाइस ये आप लोग देख रहे हो कि हमारा दोस्त यहाँ पे मर चुका है, और ये हम लोग को बचाने के लिए आया था यार। हाँ यार चौप ये हमें बचाने के लिए आया था, और हमें बचाते बचाते इसने अपनी जान दे दी, और हम अभी हम लोग इसका बदला लेंगे यार। हाँ यार चौप इसका बदला लिए बगैर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अरे यार हमें भैया दादाजी यहाँ पे अभी तक जिंदा है। अबे यार सिंचन ये भी मर गया। अरे हम सारे के सारे स्कॉच की आर्मी यहाँ पे मर गए यार। चौप यार ये सारे के सारे हम लोग को यहाँ पे बचाने के लिए आए थे, और गाइस अभी हम लोग को इनका बदला लेना ही होगा। और हम लोग बदला लेंगे कैसे यार। अरे यार चौप अभी मैं यहाँ पे अपने एंडर ड्रैगन को बुलाऊंगा, और यार चौप मेरा एंडर ड्रैगन यहाँ पे सारे की सारी आर्मी को मार देगा। सिंचन यार ये कौन है। अरे यार हमें भैया ये मेरा एंडर ड्रैगन है। यार सिंचन ये हम लोग को कैसे बचाएगा। अरे यार हमें भैया ये माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का बॉस है, और यार हमें भैया ये हम लोग को पक्का जितवा देगा। मगर यार सिंचन इसका साइज तो बहुत ज्यादा छोटा है, और ये वाला लाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा है सिंचन, ये सारे के सारे ड्रैगन का गॉड है। अरे यार हमें भैया ये तो ARBS का बॉस है, मगर यार हमें भैया मेरा ये वाला एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का बॉस है। सिंचन वो तो ठीक है, मगर ये मुझे कहीं से भी खतरनाक नहीं लग रहा। अरे यार हमें भैया ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये हम लोग को यहाँ पे जितवा देगा। मगर यार सिंचन अगर ये भी मर गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अरे यार हमें भैया अगर मेरा ये वाला एंडर ड्रैगन यहाँ पे मर गया तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने टर्टल कैसल को बुलाएंगे। वैसे यार सिंचन तेरे अनडिफीटेड ड्रैगन से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, क्योंकि यार सिंचन तूने तो देखा था कि तेरा अनडिफीटेड ड्रैगन यहाँ पे मर चुका था, और अभी यहाँ पे तू अपने एंडर ड्रैगन को लेकर आ गया है। मगर यार सिंचन ये मुझे कहीं से भी खतरनाक नहीं लग रहा। अरे यार हमें भैया ये मेरा न्यू अनडिफीटेड ड्रैगन है। क्या बात कर रहा है सिंचन, ये तेरा अनडिफीटेड ड्रैगन है। अरे हाँ हमें भैया मेरे उस ड्रैगन के मरने के बाद अब यही मेरा दोस्त है, और यार हमें भैया ये मेरा अनडिफीटेड ड्रैगन भी है। मगर यार सिंचन मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ पे जीतेगा। तो यार अगर आप लोग को लगता है कि ये वाला एंडर ड्रैगन यहाँ पे जीत जाएगा तो कमेंट करके लिख दो एंडर ड्रैगन ओपी, और अगर आप लोग को लगता है कि ये वाला लाइट ड्रैगन यहाँ पे जीत जाएगा तो कमेंट करके लिख दो लाइट ड्रैगन ओपी। अरे हम ये तो खिलौना, ये क्या जीतेगा यार। अरे यार चौप तुम तो नूबड़े हो, तुम्हें तो पता नहीं कि एंडर ड्रैगन के पास कितनी ज्यादा पावर्स होती हैं। चौप यार सिंचन बोल रहा है कि ये उसका अनडिफीटेड यूनिट है, तो यार चौप क्या पता कि ये यहाँ पे जीत जाए। और हमें मगर मुझे लगता नहीं कि ये जीतेगा यार। चौप यार लगता तो मुझे भी नहीं है, मगर सिंचन बोल रहा है कि अनडिफीटेड है। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हम लोग देखते हैं कि सिंचन का एंडर ड्रैगन यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। और हम ये तो ग्राउंड से बाहर चला गया यार। हाँ यार चौप ग्राउंड से तो बाहर चला गया, मगर यार गाइस ये तो वाकई में एंडर ड्रैगन, और ये आप लोग देख रहे हो स्नो ड्रैगन को इसने मार दिया, और यार गाइस डार्क ड्रैगन भी यहाँ पे मर चुका है। और हम लाइट ड्रैगन यहाँ पे पहले डर गया यार। अबे यार चौप वाकई में ये वाला लाइट ड्रैगन तो यहाँ पे डर चुका है। अरे यार हमें भैया देखा, मैंने आपको बोला था ना कि मेरा एंडर ड्रैगन यहाँ पे अनडिफीटेड है। सिंचन यार वाकई में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, धीरे धीरे सारे के सारे ड्रैगन को यार गाइस ये मारता जा रहा है, और अभी यार गाइस यहाँ पे मरने की बारी इस वाले लाइट ड्रैगन की, और फाइनली यार गाइस लाइट ड्रैगन यहाँ पे मर चुका है। अरे यार हमें भैया आपको मैंने बोला था ना कि मेरा ये वाला एंडर ड्रैगन सबसे ज्यादा खतरनाक है। सिंचन यार वाकई में तेरा ये वाला ड्रैगन तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। और यार हमें भैया अभी ये सारे के सारे ड्रैगन मेरे हो जाएंगे, क्योंकि यार हमें भैया मेरे अनडिफीटेड ड्रैगन ने यहाँ पे सारे के सारे आर्मी को मार दिया है। वैसे यार गाइस यहाँ पर तो एक और अनडिफीटेड ड्रैगन आ चुका है, और मजे की बात ये कि यार गाइस ये हम लोग की टीम में है, और यार हमें भैया ये वाला लाइट ड्रैगन भी मेरा
मेरा हो चुका है। सिंचन यार अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अरे मुझे तो ये खिलौना लग रहा था मगर हमें ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। हाँ ना यार चौप तू देख रहा है ये बॉस बन चुका है और ये वाला लाइट ड्रैगन भी इसका बॉडी गार्ड बन गया है। तू क्या कहता है यूपी आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सिंचन और चौप आपसे मिलते हैं एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।